तो गाइस यहां लोमड़ी दिखी जाने हाँ सुन क्या सूर्य वर्ता है क्या भाई जी। तो गाइस देख सकते हैं अभी अभी यहाँ से लोमड़ी निकल, गाइस जो लोमड़ी के बच्चे हैं अभी सुरेश भाई अंदर जाके देख रहे हैं, जो शियालिया है कोल्ला बोल सकते हैं आप, तो अंदर देख रहे हैं। तो हेले, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, गेम सब कैसा है? तो मैं तो एकदम मौज में हूँ और आई होप आप सब मौज में ही होंगे। तो आज का ब्लॉग इस पर होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं नदी के किनारे पे गन्ना तोड़ने को, और वहाँ का लोकेशन जो है वो एकदम बढ़िया है। तो मैंने बोला चलो आज वहाँ का भी ब्लॉग बना देंगे। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, तो पहले तो चाय दूध पियेंगे। चाय दूध पीने के बाद, क्योंकि दूध निकालना तो हो गया है, अभी एक गाय का बाकी, जो सुरेश भाई सामने से अभी दिख रहा नहीं, अंधेरे में दिख नहीं रहा है अबे। हाँ कहाँ गयो? हाँ, तो सुरेश भाई जो है, हाँ हाथ दिखा, वो अंधेरे में दिख नहीं रहा है, तो आ गया। तो अभी फाइनली जो आखिरी जो गाय थी उसका मिल्किंग हमने कर दिया है, अभी दूध अभी हो गया है रेडी। तो आधा जो दूध है वो नासिक के लिए निकल रहा है और आधा दूध है वो मैं ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर में साथ में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे अपने उस दिन डेयरी पे दूध डाला था वहाँ पे। तो अभी आपको बता दूंगा, और जाना है हमें गन्ना तोड़ने को, तो वहाँ का एकदम लोकेशन भी एकदम बढ़िया है, तो ये लोकेशन आपको बताएंगे। और अभी यहाँ पे जो मालू भाई है, अभी दूध पैकिंग हो गया है, लेकिन वो अभी जो यहाँ पे वो थैली है उसमें वो मिल्क भर रहे। तो दूध पैकिंग हो गया है, ये जो बचा हुआ दूध है वो अभी इसमें भी दूध है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सब दूध लेके डेयरी पे जाना है। और जो इसमें पैकिंग किया हुआ है ये दूध नासिक जाने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो पूरा पैकिंग है हो गया है। और अभी ये दूध लेके मालू भाई और हरी भाई और सुरेश भाई तीनों आगे निकलने वाले हैं, और जो पीछे ये दूध है लेके मैं ट्रैक्टर में लेके निकलने वाला हूँ, और इधर महागारी जो और बाकी तो सुबह सुबह सब यहाँ पे सबका चाय दूध का नाश्ता चालू है। तो ये हरी भाई और ये मालूम है, मालूम है तो तू बोल, हम थोड़ा थोड़ा करते और ये हमारा महेश भाई है जो कि भी सुबह सुबह सेक रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। तो अभी मैं भी फटाफट से चाय दूध पी लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे। कैन को थोड़ा सा आगे रख देते हैं, क्योंकि डेयरी जो है वो अभी तो बंद है, क्योंकि कोई आया नहीं है अभी तक। तो कैन जो है और इस मिल्किंग का जो भी वजन होता है वो उसकी रिसीट बना के रखेंगे। उस भाई को फोन करके हमने बता दिया है कि कैन हमने यहाँ पे रख दी है, तो रिसीट बना के रखेंगे। तो जाते टाइम जब हम ट्रैक्टर भर के घर के लिए निकलेंगे तो कैन और रसीद दोनों लेके जाएंगे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं आगे। फाइनली हम यहाँ तो नदी के किनारे पे तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है यहाँ पे खेत कहाँ पे है। और अभी यहाँ पे आप आजू बाजू देख भी सकते हैं, कहीं पे घर नहीं दिख रहा है। तो अभी फोन कर देते हैं और इधर देख सकते हैं जो कि हमारे मसोबा महाराज का मंदिर है, तो अभी दर्शन ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को इधर बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए मैं यहाँ पे नहीं आया था। जय मसोबा महाराज। तो अभी फोन करना पड़ेगा, क्योंकि बाजू बोला, मेरे को यहीं पे बोला था कि जो मसोबा महाराज का मंदिर है उसके बाजू में, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है आगे होगा, क्योंकि इधर किधर नहीं दिख रहे हो। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ओ, और ये हमारे ट्रैक्टर की लाइट जो है नीचे की हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, तो हमारे ट्रैक्टर ने भी इसकी मुंडी जो नीचे डाल दी है लाइट बंद कर देंगे नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अभी फोन किया था, बोले यहाँ पे है, तो हमें जो खेत है वो मिल चुका है, आप देख सकते हैं। और इधर बाजू में नदी है और आगे जो हमारी गाड़ी है वो दिख रही है, तो यहीं पे हो गए शायद। फोन किया था, बोले नीचे आ जाओ तुम, लेकिन रास्ता मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। ऊपर से डाउन गेट, गाड़ी भी रोड में लगा दी इन्होंने।
तो अभी देखते हैं, बंद कर देंगे। ऊपर से लावन हो गया, ऊपर से क्या गाड़ी पड़े यहाँ थे, यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाना है, तो अभी ये गाड़ी हटानी पड़ेगी, तो गाड़ी हटा देते हैं फटाफट से और यहाँ से सीधा आगे जाना है। तो फाइनली जो है गन्ने के खेत में आ चुके हैं, गन्ना देख सकते हो आप, और ये रहा ट्रैक्टर, और सामने हमारे जो तीनों भाई हो अभी गन्ना काट रहे हैं। गन्ना तो काट दिया है क्योंकि गन्ना लगभग कितने साल, एक डेढ़ साल का होगा, दो साल का, तो ये गन्ना जो है दो साल का गन्ना है, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ गया है और वो जो इसकी साइज़ है वो बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसकी वजह से अभी ये गाय के लिए चलेगा कि शुगर जो फैक्ट्री होती है उसमें ये नहीं जाएगा। तो अभी जो ये किसान भाई है उन्होंने हमारे पास से पैसा नहीं लिया है, वो बोले भाई आप आके काट के लेके जाओ, हमें यहाँ पे घी करना है ना, क्या और कुछ करना है, फ्लावर, हाँ तो फ्लावर करना है, तो बोले फटाफट काट के लेके जाओ। तो इसमें से एक ही ट्रैक्टर भरना है, बाकी उनके पास गाय और भैंस है, तो बोले आधा हम रख लेंगे आधा तुम लेके जाओ, तो जल्दी खेत है खाली हो जाएगा। तो अभी हम काटने के लिए आए हुए हैं चारों भाई, तो इधर सामने हरी भाई तुम्हारा मुँह इधर करो, हाँ तो ये हरी भाई है और ये हमारे मालू भाई है। मालू भाई पेंट क्यों खराब हो गई, हार पड़े हो ओके। और ये सामने सुरेश भाई है, तो अभी फटाफट से ट्रैक्टर भर लेते हैं क्योंकि आगे ज़्यादा उतार है, इसके वजह से वहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर है ना इसके जो हमारी टारली है उसके नीचे पाटा नहीं है, तो ट्रैक्टर पलटी होने का संभावना है, कभी कभी है ना वो लोसा उड़ जाता है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए भाई। तो अभी फटाफट से भर लेते हैं और आप देख सकते हो क्या शानदार नज़ारा है, यहाँ पे नीचे नदी है और ऊपर देख सकते हो एकदम नज़ारा एकदम बढ़िया है, एकदम मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ काम करने का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा नज़ारा देखते हुए अगर काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गन्ना भी काट रहे हैं और हमारा काम भी हो रहा है और ऐसा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है तो अलग ही फील होता है, तो एकदम मज़ा आ रहा है। देखिए आप दोस्तों, आप देख रहे हो जगदीश भाई गन्ना भर रहे हैं। जगदीश भाई ये बोंडा क्या है, ये टोपी है मैंने अभी दो चार दिन पहले खरीदी, लेकिन क्या हो गया इसका बोंडा बहुत बड़ा है, लेकिन बोंडे से क्या करना है, ठंडी नहीं मचती ना, तो बस बाकी बोंडा तो बड़ा है, अजीब दिख रहा है क्या, हाँ अजीब ही दिख रहा है थोड़ा सा बोंडा है, बोंडा नहीं, ठंडी नहीं मचती, ठंडी लेकिन नहीं मचती, लेकिन ये बोंडा है, बढ़िया है बढ़िया। चलान दो भाई। तो इधर सुरेश भाई गन्ना काट रहे हैं, हालांकि थोड़ी थोड़ी उनको भी पड़ रही है। तो गाइस देख सकते हैं आप, जब मैंने यहाँ का आपको वीडियो बताया था सब दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो इसको हम गुजराती में धुंवर बोलते हैं क्योंकि पानी की वजह से सब ऐसी धुंवर आती है, तो हिंदी तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ गलत, तो मुझे गुजराती में पता था इसको धुंवर बोलते हैं, तो मैंने बोल दिया। और आप देख सकते हो यहाँ का अभी धुंवर की वजह से सामने कुछ नहीं दिख रहा, तो आप देख सकते हो, और सूर्या जो महाराज है ऊपर भी दिख रहे हैं और पानी में दिख रहे, तो एकदम देखिए ऐसे अलग ही नज़ारा है, देखिए नहीं है ये, इससे मैं ये भाग रहा है मुझसे आज, बस के यार आज इधर यू, अरे अरे। तो गाइस यहाँ लोमड़े दिखी जाने, हाँ सुन क्या सूर्य वर्ता है, हाँ क्या भाई जी। तो गाइस देख सकते हैं अभी यहाँ से लोमड़ी निकली और इधर गई, और हाँ सामने जो बिल है इस बिल में से निकली, शायद इसके अंदर उसके बच्चे भी हो सकते हैं, इधर कहीं नदी साइड थे तो नदी के साइड गई, और इसमें अगर इसके बच्चे हैं तो मुझे लगता है वो वापस आएंगी, तब तक हम यहीं पे गन्ना भर रहे हैं, अगर वापस आ गई तो आपको बताएंगे, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ जो शोर होता है जहाँ जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे वो लोमड़ी कभी रुकती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वापस आएंगी, अगर वापस आ गए बच्चे हैं तो शायद आ सकती है, अगर आ गए तो आपको ज़रूर बताएंगे। अभी फटाफट से भर लेते हैं, ऑलमोस्ट ट्रैक्टर भरना हो गया है। तो गाइस जो लोमड़ी के बच्चे हैं अभी सुरेश भाई अंदर जाके देख रहे हैं, जो शियालिया है कोल्ला बोल सकते हैं आप, तो अंदर देख रहे हैं, तो हेले मसर कावड़ा है मैं कर दे जी
फाइनली जो है ट्रैक्टर हमारा भर चुका है और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी 9:30 बज चुके हैं तो इसकी वजह से जो यहाँ की जो धुआं थी पूरी चली गई है। नदी अभी पूरी साफ दिख रही है और नदी का नाम बताना मैं भूल गया था, जो कि इस नदी का नाम है गोदावरी। तो अभी घर के लिए निकलते हैं और घर के लिए निकलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं और आप सबसे जो भी ऐसी कॉमेंट करते हैं उनको मेरी एक नम्र अपील है कि बहुत सारे जो मेरे को अभी तक 5-6 बार ऐसी कॉमेंट्स आ चुकी है जिसमें ये लिखा था कि जगदीश भाई आपको मेरी माँ की कसम अपना नंबर दो। तो जो देवी देवताओं का आप कसम देते हो और हमारा नंबर मांगते हो तो बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि और इसमें मैं नंबर दे भी नहीं सकता यार, क्योंकि मैं डायरेक्ट कमेंट में आपको नंबर नहीं दे सकता। इसके लिए आप ऐसी कमेंट ना करें, आपको जो भी काम है तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और अभी आप बोलोगे कि भाई हम तो इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करते हैं लेकिन आप तो रिप्लाई नहीं करते, तो रिप्लाई करने की बात ये है कि भाई काम आपको पता है मेरा इतना सारा काम होता है, काम के बाद जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ और उसमें आपकी एक की तो मैसेज आता नहीं। बहुत सारे भाइयों के उसमें 1000 से ऊपर मैसेज आए हुए तो सबके डेली चालू रहते हैं, 10, 12, 20, 50 तक डेली के मैसेज होते, तो सबके रिप्लाई मैं नहीं दे पाता। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से सबको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन ऐसी कमेंट दोबारा मत कीजिए, सबको रिक्वेस्ट है मेरी। तो आपको जो भी बात करनी है मुझसे, मैं जरूर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आप मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे कीजिए। द्वारकाधीश चलते हैं अब घर के लिए। तो गाइस अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि जो हमारी गाड़ी है उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो अभी हमें 3-4 किलोमीटर आगे जाना है और अभी गाड़ी यहाँ हुर हुर कर रही है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है। क्या रखो देख सकते हैं आप, रुकने वाली है जो है हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। अभी यहाँ से तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत आगे, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पेट्रोल पंप आगे है, तो अभी धक्का मार के लेके जाएंगे। आगे दिन पास भी फिर आए मोबाइल लेते जा फोन पे करवा, तो अभी फोन इसको दे देंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, फोन पे करना पड़ेगा। अले मोबाइल ले जा, अले फाइनली जो है अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। और बहुत दिन हो गए आपने लिली को नहीं देखा होगा, लेकिन लिली को हमेशा मुझे ढूंढना ही पड़ता है। अभी देखिए यहाँ अभी नहीं है लिली, दिख रहा है मुझे, दिख रही वहां पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, नहीं है, नहीं है लिली, अभी कहीं बाहर चली गई है शायद, क्योंकि लिली यहाँ नहीं मिल रही है। ठीक है फिर लिली नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे क्योंकि अभी लिली नहीं मिल रही है, और बाकी तो सब एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए, ये तो आर्यन, देखिए कालू और डिंगी दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और आर्यन उनके साथ मस्ती कर रहा है। और देखिए मरने क्या है, अरे और टीनू इधर है, ए टीनू, ए टकलू, और ये दोनों अभी तो इनको आदत हो गई नीचे बैठते नहीं, डर है मानने की तुम जी। और बाकी तो सब एकदम इधर ही है। तो फाइनली इस ब्लॉग को यही खत्म करेंगे और आप सब जो पिछली वीडियो में भी आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए और व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आप सबके कमेंट मुझे आते रहते हैं कि जगदीश भाई आप डेली व्लॉग क्यों नहीं करते, आपका व्लॉग नहीं आया, तो ये सब कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो और आप सबका सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको नए नए व्लॉग देता रहूँगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग अगर पसंद आते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना, तो हम ज़रूर से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। और जब आप कमेंट करते हो हाँ हमें पसंद आते हैं तो हमें भी व्लॉग बनाने में मज़ा आता है कि नहीं कहीं ना कहीं लोगों को हमारे व्लॉग्स
पसंद आते हैं तो हम भी मेहनत करते हैं, क्योंकि इतना काम करके भी व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी व्लॉग्स अथवा कोई भी यूट्यूब पे जो काम करता है उनको पता होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं कोई नए व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।